प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत, हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं बताऊंगा 12 अप्रैल को राहु राशि परिवर्तन कर रहा है, इसकी हमने एक राशि की जानकारी दी थी मेष राशि, और ये मेष राशि के अंदर ही प्रवेश कर रहा है, लेकिन बाकी राशियों पर इसका क्या इफेक्ट रहेगा। मेष राशि पे तो हमने बताया था कि मेष राशि वालों के लिए 63 दिन स्टार्टिंग के बाद खराब रहेंगे और उसके बाद में 240 दिन वो अच्छी स्थिति में रहेगा, शुक्र के नक्षत्र पर मूवमेंट करेगा, और बाकी के जो 240 दिन है यानी वो केतु के नक्षत्र पर भ्रमण करेगा, अश्विनी नक्षत्र पर भ्रमण करेगा, तो लास्ट के समय पर और स्टार्टिंग के समय पर कहीं ना कहीं ये बहुत परेशानी पैदा करने वाला है, और इसके लिए हमने लिखा था मचाएगा तहलका, तकलीफ देगा, आसान नहीं है। तो मेष राशि के तो सिर के ऊपर ही था, अब वृष राशि वालों का क्या होगा उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा कि वृष राशि वाले कहां अलर्ट रहें, कहां सावधान रहें, आपके लिए राहु का फल कैसा रहने वाला है और कितने समय आपको इसका उपाय करना है। पिछले एपिसोड में लोगों ने बोला था गुरुजी उपाय भी बता देना, तो ठीक है उपाय भी बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना है, जैसे मेष राशि के लिए मैंने कहा था कि आपकी राशि में सिर के ऊपर ही बैठा हुआ है, तकलीफ देह है, इसी प्रकार से राहु वृष राशि के अंदर क्या फल देगा ये मैं बताऊंगा। पूरे 1.5 साल ये मेष राशि में रहेगा, पूरे 540 दिन रहेगा, इसमें से पहले जो 63 दिन है वो कृतिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र के ऊपर, जो इसका कट्टर दुश्मन है, जो ग्रहण दोष लगाता है, उसके ऊपर ये भ्रमण करेगा। इसलिए पहले 63 दिन मैंने कहा था कि मेष राशि वालों को हार्ट से संबंधित तकलीफ हो सकती है। अब वृष वालों की जानकारी दूंगा, तो वृष वालों आपको मैं जानकारी देता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, ये बड़े ज्ञान वाले होते हैं। आज मेरे पास एक कस्टमर आए थे, उन्होंने कहा था गुरु जी आपके वीडियो देख देख के तो मैं तो ज्योतिषी बन गई, और बाकी उनको बड़ी नॉलेज हो गई थी, बहुत अच्छी ज्योतिषी हो गई, वो लाखों लोग ज्योतिष सीख चुके हैं। मुझे खुशी होती है कि घर घर में ज्योतिष की नॉलेज साइंटिफिक हो रही है। तो शुरुआत करता हूं वृष की। वृष राशि वालों, आपकी राशि के ऊपर जो 12 अप्रैल तक आपकी राशि में राहु विराजमान थे वो हट जाएंगे। पहले कि आपके ऊपर शनि की डैया चल रही थी वो हटी, अब राहु हटेगा तो आपको एंग्जाइटी, वृष राशि वालों को टेंशन, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, बेचैनी जो चल रही थी वो हट जाएगी, आप फ्री हो जाएंगे, यानी आपको मानसिक रिलीफ तो बहुत बढ़ाएगा। लेकिन आपकी राशि से ये 12 भाव में ट्रांजिट करेगा, 12 भाव में गोचर करेगा। 12 भाव है पुलिस केस का, मुकदमे का, खर्च का, सरकारी उलझनों का। तो यहां सूर्य के नक्षत्र के ऊपर 12 भाव में भ्रमण चलेगा 63 दिन, इनकम टैक्स से बचाव, सरकारी मुकदमे, सरकारी उलझन, विवाद में ना फंसे, सरकारी अफसरों के साथ प्यार से रहें तो बचाव होता रहेगा। कई लोग क्या है, चालान काटने लगी पुलिस और आप उलझ गए कि मैं तो VIP हूं, और वहीं पर वो उलझ जाते हैं और कोर्ट केस हो जाता है, फंस जाते हैं आप। इसलिए जो 63 दिन है 12 अप्रैल से लेकर के 14 जून तक आपको बहुत सावधानी बरतनी है। इसके बाद राहु जो चलेगा वो चलेगा 240 दिन शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में। भरणी नक्षत्र बिलासता का है, ध्यान के साथ सुनना, ये बिलासता का है, और भरणी नक्षत्र में भ्रमण करने का मतलब है कि जो आपके जो पैरों पर इसका प्रभाव होता है, इसके मतलब पैरों में चोट लगने का योग, इसका स्वामी जो होता है वो शुक्र बिलास प्रिय ग्रह है, और राहु का 12 भाव में बैठना आपको पर स्त्री और प्रोस्टिट्यूशन, जुए सट्टे लॉटरी, इन चीजों से दूर रहना होगा, नहीं तो आप किसी स्त्री के माध्यम से फंस सकते हैं। ये 240 दिन आपको सावधान रहना होगा।
अब वृष राशि का 240 दिन, क्योंकि 1.5 साल रहने वाला है और बारम भाव में 1.5 साल भ्रमण करेगा, तो एक जैसा फल तो देगा नहीं। पहले 63 दिन आपको सरकारी मुकदमों से उलझनों से बचाव करने, उसके बाद पर स्त्री ऐसी जो स्त्रियां उनसे सावधान रहना है, जो गलत काम करती हैं, ब्लैकमेल करती हैं, उनसे सावधान रहिएगा। फिर लास्ट के दो 240 दिन रहेंगे वो केतु के नक्षत्र अश्विनी के ऊपर भ्रमण करेगा, आपके पैरों के ऊपर तकलीफ आएगी कहीं ना कहीं, और साथ में चोट, एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, पैरों पर सिर पर चोट लगना, इससे भी आपको बचाव करने की आवश्यकता होगी। यहां पर बाकी वृष राशि के अंदर योग कारक शनि होता है। शनि आपका 29 अप्रैल को आपके कर्म भाव पर आ जाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि भी मेष राशि पर नीच दृष्टि हो जाएगी, राहु वहां ऑलरेडी बैठा होगा। तो जो मैंने चीजें बताई हैं ये थोड़ी और प्रबल हो जाएंगी, लेकिन आपके कैरियर के लिए अच्छा है, आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, आपकी जॉब के लिए अच्छा है, वहां पर कुछ अच्छाइयां वो देकर के चलेगा, इसलिए यहां आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब 1.5 साल राहु आपको तकलीफ देगा, खर्च के घर में बैठा है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे तो होंगे। अब बृहस्पति क्या करेगा? बृहस्पति वृष राशि के अंदर, वृष लगन के अंदर ये अच्छा फल नहीं देता, लेकिन लाभ स्थान पर है। 11 भाव में भ्रमण करेगा 12 अप्रैल को, राहु के जस्ट एक दिन बाद 12 अप्रैल को बृहस्पति आ जाएगा वहां पर, और बृहस्पति 11 भाव में अच्छा फल करता है। ये पूरे यहां पर 1 साल रहेगा, 1 साल से कुछ दिन ऊपर रहेगा, तो बृहस्पति आपको बचाव देता रहेगा। बृहस्पति संतान का शोक, पत्नी का शोक, आपकी हिम्मत, यानी जो राहु आपको इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी, टेंशन, तकलीफें देगा, तो बृहस्पति उनसे बचाव करता रहेगा, आपको प्रॉब्लम्स जो आने वाली हैं उनको ठीक करेगा। 1 साल बाद बृहस्पति राहु के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर चांडाल योग बन जाएगा। तो जितने भी चांडाल योग के अंदर धर्मगुरु होते हैं, संत हैं, महात्मा हैं, मौलवी हैं, पादरी हैं, धर्म का काम करने वाले लोग हैं, उनको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि गुरु राहु का जब योग बनता है गोचर के अंदर, तो पहले भी हमने भविष्यवाणी करी थी काफ़ी लोगों की इस तरह की, तो उनको तकलीफ हुई, तो यहाँ पर आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। तो ये बड़े बड़े 3 ग्रहों की स्थिति रही है, और भी डिटेल आपको जानकारी दूंगा अगले एपिसोड में। आपको मिथुन राशि की जानकारी दूंगा कि आपके लिए राहु पूरे 18 महीने कैसा रहने वाला है। देखते रहिए हमारा ज्योतिषी के कार्यक्रम, मैं आपसे इजाजत लूंगा, नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए आपको मैं अपना पता देता हूं, आप नोट कर सकते हैं। मैं 19 तारीख को नागपुर में हूं, मार्च को 24-25 मार्च को मैं चंडीगढ़ में हूं, तो आप मुझे अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं वास्तु विजिट के लिए और साथ में अपनी कुंडली दिखाने के लिए। अब आप मेरा एड्रेस नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट, पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 0112563-8157, 2563-8168, मोबाइल नंबर 9811-44156, 9212-86090, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com।